सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड से गीत नामक शीर्षक की व्याख्या को पढ़ेंगे। बच्चों, यह गीत महादेवी वर्मा की रचना दीप शिखा से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन की है। तो चलिए व्याख्या को प्रारंभ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ अर्थात मार्ग, होने दो अपरिचित, अपरिचित रहने दो। महादेवी वर्मा कहती हैं कि साधना के पंथ अर्थात मार्ग को होने दो अपरिचित, अपरिचित होने दो। महादेवी वर्मा कहती हैं कि साधना के मार्ग को अपरिचित होने दो, प्राण रहने दो अकेला, और उस मार्ग पर चलने वाले साधक के प्राण को रहने दो अकेला, अकेला रहने दो। एक बार आप पुनः समझ लीजिएगा, महादेवी वर्मा कहती हैं कि साधना के मार्ग को अपरिचित होने दो और उस मार्ग पर चलने वाले साधक के प्राण को अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमावन, छाया भले ही मेरी छाया अमावन, अमावस्या की अंधकार बनकर, छाया अमावन भले ही मेरी छाया अमावस्या की अंधकार बनकर, घेर ले मुझे, घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, भले ही कज्जल अर्थात काजल, भले ही मेरे काजल लगे नेत्र, ले यह घिरा घन, घन अर्थात बादल, बादलों के समान, भले ही मेरे काजल लगे नेत्र, बादलों के समान, अश्रुओं में अर्थात आंसुओं की रिमझिमा, रिमझिमा का तात्पर्य वर्षा से है, वर्षा करने लगे। एक बार पुनः समझ लीजिए, भले ही मेरी छाया अमावस्या की अंधकार बनकर मुझे घेर ले, या मेरे काजल लगे नेत्र बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, क्योंकि और होंगे नयन, नयन अर्थात नेत्र, क्योंकि वे नेत्र और होंगे, कोई और होंगे, क्योंकि वह नेत्र कोई और होंगे, सूखे जो कठिनाइयों को देखकर सूख जाते हैं, तिल बुझे जिनके तिल बुझ जाते हैं, और पलक रूखें, और जिनकी पलकें, पलक अर्थात पलकें रूखे, रूखी सूखी सी हो जाती है। आद्र चितवन में यहाँ इस प्रकार के कष्ट आने पर भी, आद्र चितवन में, मेरे चितवन में, मेरे चित्त में आद्र, आद्रता बनी रहेगी। इस प्रकार के कष्ट आने पर भी मेरे चितवन में आद्रता बनी रहेगी। सत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि दीप अर्थार्थ है हाँ जीवन दीप, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सत विद्युतों, सैकड़ों विद्युतों से खेला, खेलना सीख लिया है, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों से खेलना सीख लिया है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। आगे चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अन्य होंगे चरण हारे, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे चरण अन्य होंगे, कोई और होंगे, हारे जो हार मान जाते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, महादेवी वर्मा कहती हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, कि वे चरण अन्य होंगे, कोई और होंगे, हारे जो हार मान जाते हैं।
और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, और मार्ग में आने वाले सुल अर्थात कांटों को, यहाँ कांटे का तात्पर्य कठिनाइयों से है, जो मार्ग में आने वाले कांटे को दे संकल्प सारे, अपने सारे संकल्प को समर्पित करके देकर, और हैं जो लौटते वापस लौट जाते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे चरण कोई और होंगे जो हार मान जाते हैं तथा मार्ग में आने वाले कांटे को दे संकल्प सारे, अपने संपूर्ण संकल्प को समर्पित करके, और हैं जो लौटते वापस लौट जाते हैं। दुख व्रति, मेरे इन चरणों ने तो दुख व्रति, दुख सहने का व्रति, व्रत धारण कर लिया है। दुख व्रति, मेरे इन चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। निर्माण और नवनिर्माण के लिए उन्मद, उन्मद अर्थात मस्ती से भरे हुए, और नवनिर्माण के लिए मस्ती से भरे हुए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, मेरे इन चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। निर्माण उन्मद और नवनिर्माण की इच्छा को लेकर उन्मद मस्ती में भरे हुए हैं। यह अमरता नाप दे पद, यह स्वयं को अमरता अमर मानकर नापते पद, यह स्वयं को अमर मानकर नापते पद, पथ पर नापते अर्थात निरंतर पथ को माप रहे हैं या निरंतर पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, मेरे चरण तो ऐसे हैं जो अपनी दृढ़ता से अंक संस्कृति, अंक अर्थात गोद, संस्कृति अर्थात संसार, मेरे चरण तो ऐसे हैं जो अपनी दृढ़ता से अंक संस्कृति, संसार की गोद में फैले हुए तिमिर अंधकार को अपने कठोर परिश्रम से स्वर्ण बेला, सुनहरे प्रकाश में बदल देंगे। एक बार पुनः आप समझ लीजिए ताकि आप भूले ना। अन्य होंगे चरण हारे, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे चरण कोई और होंगे जो हार मान जाते हैं देशूल को संकल्प सारे, और मार्ग में आने वाले कांटे को अपने सारे संकल्प को समर्पित करके, और हैं जो लौटते लौट जाते हैं। दुख व्रति, मेरे इन चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। निर्माण उन्मद और नवनिर्माण की इच्छा में उन्मद मस्ती से भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पद, यह स्वयं को अमर मानकर नापते पद, मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, मेरे चरण तो ऐसे हैं जो अपनी दृढ़ता से अंक संस्कृति, संसार की गोद में फैले हुए तिमिर अर्थात अंधकार को स्वर्ण बेला, सुनहरे प्रकाश में बदल देंगे। आगे चलिए बच्चों, दूसरी होगी कहानी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कहानी दूसरी होगी, कोई और होगी, शून्य में अर्थात जिसमें लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही, जिसके अर्थात साधक के मिटे स्वर, स्वर मिट जाते हैं या शांत हो जाते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कहानी कोई और होगी जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर मिटे, शांत हो जाते हैं। धूली में खोई निशानी और उसके निशानी अर्थात चिन्ह, धूली में खोई, समय की धूल में खो जाते हैं। एक बार इन दोनों पंक्तियों को पुनः समझ लीजिए, दूसरी होगी कहानी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कहानी कोई और होगी, शून्य में जिसके मिटे स्वर,
जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर शांत हो जाते हैं। धूलि में कोई निशानी और उसके चिन्ह समय की धूल में खो जाती है। आज जिस पर मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर, आज जिस पर मुझ पर प्रलय भी विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो रहा है, आज मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर प्रलय भी मुझ पर विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो रहा है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और मैं अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों के खजाने की हाट अर्थात बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। एक बार पुनः समझ लीजिए, मैं अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों के खजाने को लुटाने के लिए हाट लगाती चल रही नित, उसकी हाट अर्थार्थ बाजार लगाते हुए चल रही हूँ। चिंगारियों का एक मेला मेरे आंसू रूपी मोतियों के मेले की चमक दूसरे साधकों के मन में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी। फिर समझ लीजिए, मेला मेरे आंसू रूपी मोतियों के मेले की उस चमक दूसरे साधकों के मन में दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी। आगे चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं व्याख्या देखिए। हास का अर्थार्थ मुस्कान का मधुर दूत भेजो। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्रियतम, चाहे तुम हास का मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे आकर्षित करो। एक बार पुनः समझ लीजिए, महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे आकर्षित करो या भ्रूभंगिमा या अपने भावों की वक्रता से रोष की अर्थार्थ क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ को सहेजो समेटो। एक बार पुनः समझ लीजिए इन दोनों पंक्तियों को। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे आकर्षित करो या अपने बाहों की वक्रता से रोष प्रकट करते हुए पतझड़ को समेटो, अर्थात तुम प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, ले मिलेगा उर अचंचल किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना की जल लेकर स्वप्न सतदल और स्वप्नों की पुष्प लेकर ले मिलेगा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिएगा ताकि आप भूले ना। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे आकर्षित करो, चाहे भावों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को समेटो, अर्थात तुम प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, ले मिलेगा उर अचंचल किंतु मेरा यह अडिग हृदय वेदना की जल स्वप्न सतदल और स्वप्नों की पुष्प कमल लेकर
कमल पुष्प लेकर ले मिलेगा, तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जान लो यह मिलन एकाकी, मिलन के क्षणों में एकाकी मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। जान लो वह मिलन एकाकी, मिलन के क्षणों में मैं एकाकिनी बन जाती हूँ, अर्थात मैं खुद को खुद के अलग होने की सत्ता को भूल जाती हूँ। विरह में दू अकेला, और मैं विरह में दू अकेला अक स्वयं को तुमसे अकेला महसूस करने लगती हूँ, अलग महसूस करने लगती हूँ। आगे देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, मेरे साधना पथ, मेरा साधना पथ अपरिचित है, प्राण रहने दो अकेला, और मेरे पथिक प्राण भी अकेला है, फिर भी मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी। बच्चों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।